हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग एक बार लाइव ग्रुप में जहां पे दोस्तों कर रहे हैं दोस्तों, है है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कल के सेशन में डिस्कस किया था कुछ मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स और आज दोस्तों डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ताकि कहीं कही ना कहीं आप लोग का जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए और अगर बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो जो इमारत बनने वाली है उस पर वो तो बड़ी बनेगी ही बनेगी ये तो आप लोग को पता ही है ना ये ओके okay, यस yes, तो इमारत तो बनेगी ही बड़ी तो उसके लिए परेशानी होने की कोई बात नहीं है तो दोस्तों आज हम लोग कुछ ऐसी ट्रिक समझेंगे जैसे कि बिना पेन पेपर के ही हम लोग सभी नंबर्स का स्क्वायर निकाल लें और उनका स्क्वायर रूट भी निकाल लें चाहे वो हमारे परफेक्ट नंबर्स हो चाहे वो हमारे नॉन परफेक्ट नंबर्स हो मतलब आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप मतलब इस क्लास के माध्यम से आप लोग के जो मन में एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने की प्रॉब्लम है वो सारा खत्म हो जाएगा और बिल्कुल चुटके में आप सीख जाएंगे ठीक है भाई तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वॉट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे स्क्वायर निकालना सीखेंगे कि किस तरह से दोस्तों हम लोग को स्क्वायर निकालना है इसके बाद हम लोग आगे क्या सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना ठीक है बाकी कल की क्लास आप लोगों ने देखी थी मल्टीप्लीकेशन वाली प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतनी ही ज्यादा आप लोग को आसानी होगी सिंप्लीफिकेशन करने में ओके चलिए तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर्स की अब देखो एक सिंपल सा फंडा है अगर स्क्वायर आप लोग को ठीक है अगर आप लोग को स्क्वायर में महारत हासिल करनी है सबसे बड़ी बात जो है ये दोस्तों कि आप लोग को कम से कम एक से तीस तक की स्क्वायर सारे के सारे याद होने चाहिए मतलब फिंगर टिप्स पे आप लोग के दोस्तों स्क्वायर रहने चाहिए ठीक है भाई चलिए तो एक से ले तक की तीस तक या आपको देख सकते हैं कि यहां पे सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं तो कम से कम आप लोग को दोस्तों एक से ले तक की तीस तक की स्क्वायर पता होने चाहिए क्योंकि अगर आप लोग को ये पता है तो आप जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना तो उनका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो ओके okay, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हमको वो पता है कि आप लोगों को 30 तक का स्क्वायर तो कुछ कुछ याद होंगे बाकी एक दो नंबर्स होंगे जिनका स्क्वायर आप लोग को नहीं पता होगा ठीक है तो उनको आप लोग रिवाइज कर सकते हो तीन से चार से पांच बार मतलब जितनी बार हो सके मैक्सिमम बार रिवाइज कीजिए और वो आप लोग के फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे ठीक है भाई तो ये आप लोग को याद करना है ठीक है यहां पे आपको याद करना है इसके बाद हमने क्या किया इसके बाद दोस्तों हमने एक काम किया काम किया कि हमने डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ब्रेक कर दिया समझिएगा भाई डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को डिफरेंट 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 नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ब्रेक कर दिया ताकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर निकालना आसान हो जाए है ना मतलब क्योंकि सिंपल सी बात है आप देखते हैं कि हर जगह आप लोग का जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज साउथ इंडियन ठीक है स्टार्टर सब अलग अलग होते हैं तो अगर मान लो एक ऐसा मेनू दे दिया जाए आपको जिसमें कुछ भी कैटेगरी ना हो स्टार्टिंग फ्रॉम टी उसमें क्या कहते हैं चाय भी हो उसमें छोला भटूरे भी हो उसमें समोसे भी हो तो आप लोगों को अपनी डिश फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट भाई अगर आप एक नॉर्मल मतलब एक प्लैंड वे में जा रहे हैं या एक कैटेगराइज व्यू का व्यू का आप लोग को मे मिले जिसमें आप लोग का साउथ इंडियन अलग हो ठीक है नॉर्थ इंडियन अलग हो ठीक है स्नैक्स अलग हो ड्रिंक्स अलग हो तो उसमें आप लोग को सर्च करना आसान होता है तो वही बात दोस्तों यहाँ पे भी है हमने क्या किया डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया अगर वो नंबर उस पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड कर आ, आ रहा होगा तभी हम उसका उसका अप्रोच इस्तेमाल करेंगे अगर वो उस कैटेगरी में नहीं आ रहा होगा तो हम उसका इस्तेमाल अलग कैटेगरी से करेंगे ठीक है भाई तो जो पहली कैटेगरी दोस्तों हमारी होती है वो क्या है यूनिट डिजिट फाइव मतलब ऐसा कोई भी नंबर आपको स्क्वायर निकालना हो जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो फाइव हो तो कैसे निकालेंगे इसको समझता है ठीक है भाई काफी सिंपल सी बात है कैलकुलेशन दोस्तों यहीं से आप लोग का स्ट्रांग होने वाला है तो अब समझ लेते हैं इसको कैसे हमको करना है पहले एग्जांपल लेंगे बाद में हम इन सबका कैलकुलेट करेंगे अगर हम बात करें 25 का हमको पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 625 ये बात हमें पता है कि 25 का जो स्क्वायर होता है वो कितना है हमारा सिक्स है होता है ठीक है पंद्रह का स्क्वायर की बात करें तो हमें पता है कितना होता है हमारा दो ठीक है बट ये आया कैसे एक्चुअली में दोस्तों ये आया कैसे इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या इसको समझो जब भी कभी आप लोगों कोई भी नंबर दिखे और उसके लास्ट में क्या हो पांच हो ध्यान देना जब भी कभी भी कोई नंबर दिखे उसके लास्ट में क्या हो पांच हो मतलब उसकी यूनिट डिजिट क्या हो फाइव हो तो उस फाइव को तो निग्लेक्ट करो मतलब यूनिट डिजिट को छोड़ दो करना क्या है जो भी बची हुई डिजिट है समझना बात को जो भी आप लोग की रिमेनिंग विजिट है जैसे कि यहां पे टू है तो टू से बड़ा क्या होगा थ्री तो टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आ गया उसके बाद पच्चीस अपने आप लिख दो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का सिक्स ट्वेंटी फाइव सिंगल बात करें वन है वन से बड़ा कितना हो गया टू एक को दो से मल्टीप्लाई करो दो और पच्चीस एड कर देना है अपने आप मतलब हर बार पच्चीस एड करना है ठीक है अगर हम लोग बात करें थर्टी फाइव का स्क्वायर निकालना है तो आप देख रहे हैं फाइव को तो मैं स्किप कर देना है ठीक है तीन से बड़ा क्या होगा हमारा चार चार को तीन से मल्टीप्लाई बारह और पच्चीस हमेशा एड कर देना तो ध्यान रखना है जब भी कभी भी किसी नंबर के लास्ट में पांच होगा तो पच्चीस तो लिखना लिखना है बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है उससे एक बड़ा करके मल्टीप्लाई करके आप लोग का आंसर आ जाएगा समझ में आया किस तरह से यहां पे अप्रोच रख रहे हैं ठीक है तो यहां पे अप्रोच इस तरह की है तो सिमिलरली अगर 45 का आप लोग का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे सिंपल सी बात है चार से बड़ा कितना होगा पांच कितना हो जाएगा आप लोग का बीस पच्चीस क्योंकि लास्ट में ट्वेंटी फाइव तो आप लोग का होगा ही होगा सिमिलरली पचपन का स्क्वायर निकालना है पांच से बड़ा छः पांच इंटू छ तीस पच्चीस समझ रहे हैं बात को मतलब ओरली निकल सकता है ये मतलब कोई पेन पेपर का यूज नहीं है इसमें तेरह वन थर्टी फाइव स्क्वायर निकालना है तेरह से बड़ा कितना चौदह तेरह का स्क्वायर मतलब तेरह से बड़ा क्या होगा चौदह तेरह को मल्टीप्लाई करेंगे चौदह से कितना होगा 169, क्योंकि तेरह का स्क्वायर वन सिक्स प्लस तेरह वन एट्टी टू यहां पर कितना हो जाएगा आप लोग का वन एट टू टू फाइव हो जाएगा फिर अगर बात करते हैं एट फिफ्टी फाइव का स्क्वायर <coughs> तो यहां पे एट्टी फाइव से बड़ा क्या होगा आप लोग का एट्टी सिक्स होगा तो एट्टी फाइव को मल्टीप्लाई करना किससे एट्टी सिक्स से, से मल्टीप्लाई करना है तो कल हमने आप लोग को बताया था कंसेक्यूटिव नंबर्स में किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं 86 का मतलब क्या आप लोग का 85 फाइव प्लस तो 85 का स्क्वायर प्लस वन मतलब 85 का क्योंकि यहां पे फाइव आया फिर से तो पांच का स्क्वायर 25 और सात आठ से बड़ा कितना नौ बहत्तर पच्चीस प्लस कितना कर देंगे दोस्तों पे 85 करेंगे तो पांच और पांच हो गया दस आठ दो दस और एक हो गया ग्यारह और यहां पे तीन और यहां पे सात तो ये कितना हो गया आप लोग का सेवन थ्री वन जीरो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सेवन थ्री वन जीरो और लास्ट में कितना रहेगा आप लोग का ट्वेंटी फाइव तो इस तरह से दोस्तों क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है या स्क्वायर निकालना है क्लियर है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है अनुराधा यादव ठीक है एक बार जरा क्रॉस चेक करो आपने एट फिफ्टी फाइव का जो स्क्वायर लिखा है वो लिखा है नाइन टू वन जीरो टू फाइव आई थिंक ही शायद गलती हुई है यहां पर क्या होगा आप लोग का यहां पर कितना होगा सेवन थ्री वन जीरो टू फाइव क्लियर है यस और नो ठीक है भाई आई होप सो कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है कि इसकी अप्रोच क्या है किस तरह से करना है क्लियर हो गया चलिए डन करते हैं इसको आगे मूव ऑन करते हैं अब दोस्तों यहां पे क्या है नेक्स्ट कैटेगरी नेक्स्ट कैटेगरी का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी नंबर जब आप लोग का 25 से 75 के बीच में लाई करेगा ठीक है अब देखो एक बात आप लोग को बता दें आप लोग देखते हो कि जब आप लोग मकान एक बनता है एक बहुत बड़ा सा एक इमारत बनती है तो इमारत बनने से पहले क्या होता है उसकी नींव को स्ट्रॉन्ग किया जाता है ठीक है इमारत बनने से पहले क्या होता है उसकी नीव को स्ट्रांग किया जाता है तो यही हमारा काम है हम क्या कर रहे हैं हम आप लोग की सबसे पहले नीव को स्ट्रांग कर रहे हैं ताकि जब हम उसके ऊपर मकान खड़ा करेंगे मतलब जब हम उस पर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप लोग की जब नीव स्ट्रांग होगी मतलब जब आप लोग का कैलकुलेशन पोर्शन स्ट्रांग होगा तो आप आराम से बड़े बड़े कैलकुलेशन को इन ट्रिक्स के माध्यम से कर सकते हो तो अभी जब तक कि हम आप लोग का बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन पढ़ा रहे हैं तब तक कि दोस्तों आप लोग को इन पर प्रैक्टिस करनी है ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आए इन पे बेस तो आप इसको बना लो ठीक है ओके okay, कल का वीडियो डोंट वरी परेशान ना हो आप लोग की लाइब्रेरी में अपडेट हो जाएगा डोंट वरी फॉर दैट ठीक है चलिए तो अब यहां पे मैंने निकालना है 47 का स्क्वायर 39 का स्क्वायर 58 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर जैसे हमने ये नंबर देखे मेरे मन में तुरंत एक कैटेगरी आ गई कि जो नंबर है वो कितने लाई कर रहे हैं ट्वेंटी से सेवेंटी के बीच में लाई कर रहे हैं <laughs> ठीक है कोई बात नहीं परेशान बिल्कुल ना हो आ, कल की क्लास मिल जाएगी डोंट वरी तो यहाँ पे पच्चीस और पचहत्तर के बीच में हमारे नंबर आ रहे हैं क्लियर है तो कैसे अप्रोच करना है ध्यान देना यहां पे। यहां पे क्या करना है आप लोगों को बेस जो है वो मानना है पचास मतलब आप नंबर्स को पचास से क्या करोगे कंपेयर करोगे ओके आप नंबर को 50 से कंपेयर करोगे और एक मैजिक नंबर अपने मन में रखना है 25। ठीक है एक मैजिक नंबर रखना है अपने मन में कितना 25 अब होता क्या समझ लेते एग्जांपल के तौर से हमें सपोज एग्जाम्पल फोर्टी एट का स्क्वायर निकालना है एग्जाम्पल के तौर तो पर समझ लीजिए इसके बाद क्योंकि आप लोग को सारे खुद ब खुद करने है ठीक है तो फोर्टी एट का हमें क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है ओके okay? तो कैसे निकालेंगे समझना बात को पचास से कंपेयर करेंगे कितना कम है दो कम है तो जितना कम है उतने का स्क्वायर चार सिंगल है तो एक जीरो लगाएंगे जितना कम है उतने का स्क्वायर चार सिंगल है तो क्या लगाएंगे जीरो अब ध्यान रखना जितना कम है उसको इस मैजिक नंबर से क्या करेंगे माइनस करेंगे समझना उसको क्या करेंगे इस मैजिक नंबर से माइनस करेंगे मतलब 25 में से दो माइनस करेंगे कितना आएगा आप लोग का 23 और आंसर कितना देगा आप लोग का तेईस सौ चार गेडिंग माई पॉइंट समझ में आ गया एक एग्जाम्पल और देखते हैं फोर्टी का स्क्वायर पचास से कंपेयर किया कितना कम है चार ठीक है पचास से कंपेयर किया कितना कम है चार चार का स्क्वायर कितना देगा आप लोग का सोलह चार को उस मैजिक नंबर से 25 से माइनस करेंगे तो कितना होगा आप लोग का 21 तो यहां पे क्या हो जाएगा आप लोग का 2116 वन वन सिक्स एंड आई होपे आप लोग को समझ में आ गया है ओके okay. आ गया ना समझ में चलो आगे डन करते हैं इसको आगे देखते हैं तो ये एग्जाम्पल के तौर तो पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं फोर्टी का स्क्वायर ठीक है भाई <coughs> अब 47 कितना कम है 50 से देखो मन में रखना है ये आप लोग को बिल्कुल लिखना नहीं है एग्जाम में दिखाना नहीं है बस आप लोगों को मन में रखना है 50 से कितना कम है तीन तीन का स्क्वायर कितना नौ no. सिंगल है तो जीरो तीन किससे उठाएंगे मैजिक नंबर कितना था पच्चीस में से गया तीन कितना आया उड़ा दिया समझ में आ गया ठीक है उड़ा दिया ना थर्टी नाइन का स्क्वायर अब देखो थर्टी नाइन का स्क्वायर कितना कम है ग्यारह कम है यहां पे कितना कम है यहां पर ग्यारह कम है. है ना चलो ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस इक्कीस लिखा एक कैरी इक्कीस लिखा एक कैरी अब पच्चीस है पच्चीस में से ग्यारह माइनस करेंगे और प्लस एक भी करेंगे मतलब माइनस का ग्यारह प्लस का एक कितना हो गया माइनस का दस तो पच्चीस में से दस घटा दो कितना आएगा पंद्रह तो कितना हो गया हमारा पंद्रह इक्कीस एंड आई होप सो कि समझ में आ गया एक ही स्टेप में कर दो समझ में आया एक ही स्टेप में निपटा दो एक ही स्टेप में समा बांध दो मतलब एकदम से खोल के बांध दो पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप क्या करोगे आप एक बाद में जोड़ोगे ठीक है आपको 11 घटाना है और एक जोड़ना है तो माइनस ग्यारह प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस दस तो डायरेक्टली एक ही बार में हम क्यों ना कर दें क्लियर है अब यहां पे अगर बात करते हैं फिफ्टी एट वाले में तो ये बड़ा है बिगर छोटे में क्या करते हैं माइनस करते हैं और बड़े वाले में क्या करेंगे प्लस करेंगे दैट्स ऑल सेम वही रहेगा तो पचास से कंपेयर किया आठ बड़ा है तो आठ का स्टॉक कितना हो गया आप लोग का सिक्सटी फोर आठ बड़ा था तो आठ को जोड़ेंगे मैजिक नंबर में पच्चीस था हमारा मैजिक नंबर ठीक है भाई पच्चीस में आड आड जोड़ेंगे कितना होगा आप लोग का थ्री थ्री तो यहां पे क्या हो जाएगा आप लोग का थ्री थ्री सिक्स फोर एंड आई है चलो अब बात करते हैं तो, है, है, तो आप ऐड करोगे चौदह बड़ा स्क्वायर कितना एक सौ छियानबे नाइनटी सिक्स लिखा प्लस का वन ठीक है चौदह ऐड करना है एक भी एड करेंगे मतलब चौदह कितना हो गया पंद्रह पच्चीस मैजिक नंबर पच्चीस प्लस पंद्रह कितना चालीस आंसर कितना आ गया चालीस छियानवे बस यही चीज़ें तो आप लोग को समझनी है मेरे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों बस यही चीज़ें आप लोग को ध्यान देनी है क्योंकि अगर आप लोग को ये चीज़ें पता हैं तो पक्की बात है आप लोग ना हर एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर निकाल लोगे और अभी तो बिल्कुल शुरुआत हुई है ये आप लोगों से मेरा वादा है कि इस बार हमारे एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत दोनों लोग मिल एक नई कहानी रचेंगे इस बार जो नहीं हुआ वो करके दिखाना है ठीक है क्योंकि हम आपके साथ अवेलेबल हैं चौबीसों घंटे सातों दिन जब कोई दिक्कत आती है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं हमारे थंबनेल पे आपने देखा नंबर लिखा हुआ वा, है वाट्सए का थंबनेल व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है तो आप उस पर डाउट जो है अपने फटाफट -फड़ से मैसेज कर सकते हैं और आप लोगों को लगता है कि बात करनी है आपको फेस टू फेस मतलब फोन पे बात करनी है या आप लोग को पर्सनली कुछ पूछना है हमसे तो आप पूछ सकते हैं ठीक है डोंट वरी एंड डोंट हेसिटेट क्योंकि इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए तो एक फैमिली की तरह हमें काम करना है आपके मन में जो भी डाउट हो आप तुरंत पूछिए Okay, चलिए तो ये हो गया बना लेंगे बस मन में तुरंत आना चाहिए ठीक है चलो भाई एक देते हैं आप लोग को और बताओ कि इसका स्क्वायर क्या रहेगा ठीक है चलिए हम आपसे पूछेंगे सिक्सटी वन का स्क्वायर कितना होगा जल्दी से बताइए ओके थंबनेल पे देखो योगेश कुमार थंबनेल पे देखो लिखा हुआ है नीचे जब स्टार्टिंग होती है की तो उसमें लिखा हुआ है व्हाट्सएप नंबर ठीक है तो आप उस पर हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अब 61 का स्क्वायर कितना है 50 से कितना बड़ा 11 11 का स्क्वायर एक सौ इक्कीस प्लस एक पच्चीस ग्यारह और एक 12 11 और एक 12 25 में 12 कितना हो गया 37 क्लियर है हो गया चलो डन करते हैं इसको मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो बोला गया यहां पे मतलब नेक्स्ट कैटेगरी पे बात करते हैं तो यहां पे कैटेगरी जो बोली गई है वो क्या बोला गया जो नंबर है वो आपका 75 और 125 के बीच में मिलाई कर रहा है ओके okay. नंबर जो है आप लोग का क्या सेवेंटी फाइव और वन ट्वेंटी समझना है बात को। कुछ भी नहीं करना बहुत ही सिंपल, मतलब तो बहुत ही सिंपल है, है से। हम, हम लोग हंड्रेड मानेंगे काफी आसान है एग्जाम्पल लेके समझेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे हमें निकालना है नाइनटी एट का स्क्वायर समझना कंपेयर करेंगे हंड्रेड से नाइन्टी का स्क्वायर निकालना है कंपेयर करेंगे हंड्रेड से कितना कम है दो दो का स्क्वायर चार सिंगल है तो जीरो दो माइनस करो कितना आएगा नाइन्टी में से छियानबे आंसर यही आ गया छियानबे जीरो चार उसमें करते थे मैजिक नंबर से सप्ट्रैक्शन बट यहां पे करेंगे उस पर्टिकुलर नंबर से ही सप्रैक्ट करेंगे क्लियर हो गया <coughs> उड़ा देंगे ना समझ में आ गया एंड आई होप्स हो गया आप लोगों को समझ में आ गया ठीक है चलो एक और देखते हैं जरा फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है नाइन्टी थ्री का स्क्वायर सौ से कंपेयर करेंगे सात कम सात का स्क्वायर उनचास सात माइनस करेंगे तो यहां पे कितना होगा एट्टी सिक्स कितना हो जाएगा एट सिक्स फोर नाइन एक ही स्टेप में उड़ा दो क्लियर है एक ही स्टेप में कर दो <coughs> चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं नाइनटी सेवन का स्क्वायर कितना कम है तीन कितना कम है तीन तीन का स्क्वायर जीरो नो क्योंकि जीरो तो लगाना पड़ेगा तीन कम करेंगे नाइन्टी सेवन से कितना आएगा नाइन्टी फोर कितना गया नाइन फोर जीरो नाइन क्लियर है सिमिलरली बात करते हैं एटी सिक्स का स्क्वायर कितना कम है चौदह समझना एट्टी सिक्स का स्क्वायर सौ से कितना कम है चौदह कम है ठीक है तो चौदह का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा वन सिक्स बात मानते हैं चौदह का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना होगा हमारा वन नाइनटी सिक्स तो वन नाइनटी सिक्स में नाइन्टी सिक्स लिखा हमने और वन हमारा कहाँ गया जाएगा ठीक है अब देखो यहां पे क्या है यहां पे चौदह कम है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा चौदह माइनस करना पड़ेगा बट यहां पे प्लस का एक भी है तो चौदह माइनस का प्लस का एक मतलब कितना हो गया तेरह ठीक है तो तेरह सप्रैक्ट करना पड़ेगा कहां से एट्टी सिक्स तो यहां पे क्या है? आप लोग सेवेंटी थ्री तो आंसर कितना जाएगा आप लोग का सेवन थ्री नाइन सिक्स क्लियर है योगेश कुमार समझ में आ गया योगेश कुमार यस सर बिल्कुल बहुत बढ़िया अनुराधा यादव तो बिल्कुल लगातार कमेंट बॉक्स में सारे के सारे स्क्वाड लिख देते हैं और हमें यही चाहिए भी अगर आप लोग बिल्कुल यही कर रहे हैं ना बिल्कुल यही चाहिए ताकि जब आपके सामने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको उड़ा दोगे क्लियर है चलो एक सौ बारह और कोशिश करो जितना कम से कम पेन इस्तेमाल कर सकते हो ना उतना करो जितना कम से कम पेन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो उतना ही करना है ठीक है बहुत बढ़िया चलो आगे देखते हैं एक अब देखो यहां पे क्या है बड़ा है सौ से क्या है बड़ा तो जब भी कभी बड़ा आएगा तो हमेशा माइनस में करके क्या करेंगे हमेशा प्लस करेंगे प्लस करेंगे अप्रोच वही है बारह एक्स्ट्रा है तो बारह का स्क्वायर वन फोर्टी फोर फोर्टी फोर लिखा कैरी कितना गया वन बारह ऐड करना है और एक भी है तो बारह और कितना हो गया तेरह तो एक सौ बारह में तेरह ऐड करेंगे कितना हो गया एक सौ पच्चीस खत्म कहानी दैट्स ऑल ओके okay, कहानी खत्म होप सो आप को समझ में आ रहा है क्लियर कि है, है।, है चलो अब हम बात करेंगे तो की, की कर बात करते तो कितना रहेगा 24 बड़ा ठीक है कितना बड़ा है 24 ये आप लोग बताना क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं है मेरे दोस्तों आप लोग केवल देख के मन में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ ये चौबीस बड़ा है ठीक है भाई पल्लवी वर्मा वन वन थ्री फोर फोर नहीं होगा एक सौ पच्चीस आप लोग को तेरा ऐड करना पड़ेगा आपको शायद केवल एक ही ऐड कर दिया ठीक है पल्लवी एक बार ध्यान देना ठीक है चलो अब हमें निकालना है एक चौबीस का स्क्वायर तो चौबीस बड़ा है चौबीस का स्क्वायर कितना होगा पांच सौ छिहत्तर होगा सेवनटी सिक्स लिखा कैरी कितना गया आप लोग का फाइव गया सेवनटी सिक्स लिखा कैरी कितना गया फाइव तो चौबीस को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा वन फोर्टी एट वन फोर्टी एट में जब आप फाइव जोड़ोगे तो कितना होगा आप लोग का वन फिफ्टी थ्री तो यहां पे कितना हो जाएगा आप लोग का वन फाइव थ्री सेवन सिक्स को समझ में आ गया है योगेश कुमार बहुत बढ़िया okay, ने भी था so, गया आप लोग निकाल लेंगे समझ में आ रहा है आप लोग को चलो यार एक बार प्लीज यस, यस, जरूर बोल देना हमारा मकसद ही है कि हम हाँ आपको हर एक डाउट क्लियर करें इस क्लास के जरिए से ठीक है चलिए आगे डन करते अब हम लोग कुछ स्पेशल केस की बात करेंगे मान लो कुछ नंबर बड़े हो गए ठीक है क्योंकि भाई आरआरबी क्लर्क है आरआरबी आरबी भी आप लोग क्या क्या कहते हैं क्लासेस हैं यहां पे ठीक है तो आप लोग देख सकते हो कि बड़े बड़े नंबर अगर आ गए तो क्या करेंगे क्या स्किप कर देंगे नहीं स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हम हर एक चीज को बनाएंगे आसान आप लोग के लिए अब देखो समझना बहुत ध्यान से जब भी कभी कोई बड़ा नंबर आए मतलब अब ये स्पेशल केस जो है ये सभी कैटेगरी को फॉलो करेगा मतलब जितनी भी कैटेगरी हो सकती है मतलब ये एक ऐसा है बाहुबली तरीका है हर नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए बस आपको समझना है कि उसका बेस क्या लेना है समझ रहे हो आपको समझना है दोस्तों कि उसका बेस बेस क्या लेना है क्योंकि अगर अगर आपने बेस मान लिया उड़ा दोगे अब अगर हम बात करें की तो आप देख सकते हो ये नंबर हमारा है ये दो के पास में आ रहा है ये जो नंबर हमारा है वो दो के पास में आ रहा है इसका मतलब यहां पर बेस क्या होगा टू हो जाएगा बस ध्यान देना कि किसके पास आ रहा है ओके तो अब कहानी क्या है समझना हमें वन नाइनटी सिक्स का स्क्वायर या एक एग्जाम्पल समझते हैं उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ठीक है भाई चलो प्रमोद जय हिंद 198 का स्क्वायर कितना हमें निकालना है तो हमने कंपेयर किया इसको किससे 200 से तो वही चीजें करनी है दो आ, कितना कम है दो कम है दो का स्क्वायर कितना हो गया चार सिंगल है तो जीरो ध्यान रखना सिंगल है तो जीरो कोई भी सिंगल नहीं रहेगा यहां पे दो कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 196 आ जाएगा यहां तक बिल्कुल सेम स्टेप आया दो कम करा तो 196 आ गया अब क्योंकि बेस हमारा दो है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे समझ रहे हो अगर बेस होता है तीन तो तीन से मल्टीप्लाई कर देते अगर बेस होता तो, चार तो चार से मल्टीप्लाई करते एंड सो so ऑन मतलब जो बेस बेस उस पर्टिकुलर बेस से मल्टीप्लाई कर देते ठीक है चलो ओके <clears throat> okay, तो यहां पे दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बारह हो जाएगा यहां पे टू इंटू नाइन कितना होगा एटीन प्लस वन नाइनटीन और थ्री तो कितना हो जाएगा यहां पे थ्री नाइन टू जीरो फोर क्लियर है इस तरह से निकालना है चलो वन नाइनटी सिक्स का स्क्वायर दो सौ से कंपेयर किया चार कम चार का स्क्वायर सोलह चार माइनस किया एक सौ बानबे मल्टीप्लाई किसे करेंगे दो से टू टू जा फोर टू नाइन जा एटीन टू वन जा टू और थ्री थ्री एट फोर वन सिक्स क्लियर है दो सौ से कितना बड़ा सात सात का स्क्वायर उनचास सात एड किया कितना हो गया टू वन फोर मल्टीप्लाई किससे करेंगे दो से तो यहां पे कितना हो जाएगा फोर ट्वेंटी एट क्लियर है तो यहां पे कितना जाएगा आप लोग का आंसर फोर टू एट फोर नाइन और नो एक बार बताना जरूर कि यस सर बिल्कुल क्लियर हो गया है ताकि अगर इस तरह के स्क्वायर निकालने के ले, लिएगे तो हम लोग निकाल लेंगे बात करते हैं थ्री एटी सेवन की तो 400 से कंपेयर करना है यहां पर इसको है ना 400 से कंपेयर करेंगे तो 400 से कितना कम है तेरह कम है है ना 400 से कितना कम है तेरह कम है तेरह का स्क्वायर कितना होगा 69 प्लस का वन कैरी ठीक है ध्यान सुनना तेरह कम था तेरह का स्क्वायर वन प्लस का वन क्या हो गया आपका कैरी चला गया एक मिनट रुको इसको बिगाड़ देते हैं ठीक है थ्री एट्टी से कंपेयर किया तेरह कम है तेरह का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन लिखा प्लस का वन क्या हो गया आप लोग का कैरी हो गया अब समझना है बात को तेरह माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे थ्री सेवेंटी फोर ठीक है तेरह माइनस किया कितना है थ्री सेवनटी फोर क्योंकि चार सौ के पास में आ रहा है इसलिए बच्चा क्या करेंगे चार से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है डोंट वरी इलेवन का मल्टीप्लीकेशन ट्रिक बता देंगे डोंट वरी ठीक है तो यहां पे चार सौ के पास आ रहा है तो इसलिए चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब चार से मल्टीप्लाई अब ध्यान रखना जब भी कभी कोई कैरी हो हम लिख देते हैं यहां इन केस ऑफ कैरी ठीक है जब भी कभी कोई कैरी दिखे पहले क्या करना है आप लोग को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड स्टेप क्या होगा आप लोग का एडिशन होगा पहले मल्टीप्लाई फिर एड मतलब बेस से मल्टीप्लाई करने के बाद एड तो फोर इन टू फोर सिक्सटीन प्लस वन क्या हो जाएगा सेवनटीन फोर सेवनजार ट्वेंटी एट प्लस वन ट्वेंटी नाइन फोर थ्री जार ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन तो यहां पे कितना आ जाएगा आप लोग का वन फोर नाइन सेवन सिक्स नाइन क्लियर है यस और नो ओके, फोर वन फोर फोर नाइन एक मिनट जरा देख लो वन फाइव जीरो नाइन सिक्स नाइन हैं सब लोग वन फोर नाइन सेवन सिक्स नाइन होगा क्लियर है उड़ा देंगे अनुराधा गुप्ता जल्दबाजी में शायद आपने फिर से एक गलती कर दी है एक बार चलो फिर से चेक करते हैं हम भी थ्री एट्टी सेवन तेरह कम है तेरह का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन आया प्लस का वन कैरी तेरह माइनस करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का थ्री सेवेंटी फोर बेस कितना था चार चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर इंटू फोर कितना होगा सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस वन कितना आप लोग का सेवनटीन फोर सेवनजा कितना ट्वेंटी एट प्लस वन ट्वेंटी नाइन फोर थ्री जो ट्वेल्व ठीक है थर्टीन और फोर्टीन क्लियर है चलो आगे देखते हैं पांच सौ ग्यारह ठीक है भाई आगे देखते हैं क्या पांच सौ ग्यारह अब पांच सौ ग्यारह का निकालना है <clears throat> कितना कंपेयर करेंगे 500 से बेस कितना है 500 कितना बड़ा 11 11 का स्क्वायर 121 प्लस का एक कैरी 11 ऐड करेंगे कितना हो गया 522 मल्टीप्लाई किससे करेंगे पांच से क्योंकि बेस क्या है हमारा पांच तो पांच से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में ऐड करेंगे कैरी तो फाइव टूज टेन प्लस वन इलेवन फाइव टूज टेन प्लस वन इलेवन फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स तो कितना आ गया छब्बीस ग्यारह इक्कीस क्लियर है यस और नो क्लियर हो गया चलो ये तो हो गया स्पेशल केस तो अब इस पर्टिकुलर केस से आप लोग हर एक नंबर्स का स्क्वायर दोस्तों यहां से निकाल सकते हो ओके चलो अब कुछ ट्रिक अब कुछ खतरनाक चीजें बताएंगे आप लोग को खतरनाक चीजें क्या आप जिसको आप देखोगे आप बिलीव ही नहीं करोगे सर ये भी हो सकता है क्या चलो अब देखो जब भी कभी किसी भी नंबर्स की सारी डिजिट क्या हूं वन हूं ठीक है 207 बताइए ओके okay, अनुराधा यादव डोंट वरी 207 का स्क्वायर अगर निकालना है तो कंपेयर करेंगे 200 से कितना बड़ा है सात सात का स्क्वायर कितना हो गया उनचास सात ऐड करेंगे तो कितना होगा 214 मल्टीप्लाई किससे करेंगे दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू फोर जो कितना हो गया एट टू वन जो हो गया टू टू जो हो गया तो कितना हो गया आप लोग का फोर ट्वेंटी क्लियर है अब आगे क्लियर फोर ट्वेंटी एट फोर्टी नाइन यही होगा चलो अब देखो 11 का स्क्वायर निकालना याद है आप लोग को बट इसको याद नहीं करना है बस इसको केवल देख के कर देना है तो 11 का स्क्वायर अगर बात करें तो देखो समझना आपको पता है कितना होता है 121 आप लोग को पता है 121 बट इसको समझो कैसे करना है यहां पे ठीक है कैसे करना है इस बात को समझना है ग्यारह का स्क्वायर ठीक है ग्यारह का स्क्वायर देखो थ्री फोर्टी फाइव का बता रहे हैं ना आप लोग तो थ्री फोर्टी फाइव का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे पांच है लास्ट में तो पच्चीस तो होगा होगा चौतीस को पैंतीस से मल्टीप्लाई कर दो खत्म कहा नहीं बता रखा है ना ये तो बना लोगे ना भाई थ्री फोर्टी फाइव लास्ट में फाइव आ गया तो फाइव वाला कैसे लगा दो यहां पे चौतीस को पैंतीस से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है या पैतीस के स्क्वायर में से पैंतीस माइनस कर दो पैंतीस का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग का पांच बारह पच्चीस माइनस पैंतीस कर देंगे ठीक है क्योंकि भाई चौतीस का मतलब क्या है पैंतीस माइनस एक तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो बारह में से जाएगा तीन कितना बचेगा आप लोग का यहाँ पे नौ बचेगा यहाँ पे क्या होगा ग्यारह तो यहाँ पे क्या होगा वन वन नाइन जीरो टू फाइव क्लियर है भाई ये तो बचेगा पांच बीस पांच गया जीरो बारह में से जाएगा तीन कितना बचेगा नौ ग्यारह बचा यहाँ पे आ जाएगा ठीक है चलो ये तो आया वन वन नाइन जीरो टू फाइव भाई लगा दिया हाँ, हम बात करते हैं यहां पे ग्यारह का स्क्वायर ठीक है तो यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे हमें दो संख्या दिख रही है मतलब जब भी कभी पर्टिकुलर डिजिट में वन 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 लिखे हुए हैं और यहां पे आप देख रहे हो कि आप लोगों को केवल यहां पे दो डिजिट लिखी हुई है तो करना क्या है पहले आप लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है वन टू इसके बाद टू से डिक्रीजिंग ऑर्डर वन खत्म कहानी दो डिजिट तो दो तक इंक्रीज करना फिर दो के बाद क्या कर दो डिक्रीज कर दो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहां पे 111 का स्क्वायर अर्पित डोंट वरी परेशान ना हो भाई क्वेश्चन फोकस कर लो ठीक है नाम ले लेंगे डोंट वरी परेशान ना हो बट हम यहां पे थोड़ा फोकस जो कि आप लोगों को समझा रहे हैं तो उसको समझ लो ओके तो यहां पे निकालना है वन 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 का स्क्वायर तो यहां पे आप देख लो तीन संख्या है तो आप लोग को लिखना है एक दो तीन तीन के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर दो और एक चार संख्या एक दो तीन चार चार के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर तीन दो फिर यहां पे कितनी है छः संख्या तो एक दो तीन चार पाँच छ फिर पाँच चार तीन दो एक खत्म क्लियर है चलो रि करते ना इसको बहुत बढ़िया शानदार निकाल लेंगे आप लोग आगे अब आगे क्या है कि जब पर्टिकुलर डिजिट्स के सारे डिजिट्स क्या हों नाइन हो ये भी बहुत आसान है यकीन मानो मतलब चुटकियों में कर लोगे देख के चाहे कोई भी नंबर आए आपके सामने आप उसको उड़ा दोगे तो करना यहां पे क्या है अप्रोच क्या है 99 का स्क्वायर ओके 99 का स्क्वायर क्या होगा समझना है कैसे करेंगे यहां पे कोई भी जब भी कभी आपको कोई भी नंबर दिखे ऐसा जिसमें नाइन 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 कई बार लिखा हो तो कुछ मत करो उस पर्टिकुलर डिजिट में से एक माइनस करो और उस वन को यहां पे कितने डिजिट हैं दो उस वन को दो डिजिट फॉर्मेट में लिख दो उस पर्टिकुलर नंबर के आगे इसका मतलब 98 के आगे वन को दो डिजिट फॉर्मेट में लिखना है तो आंसर कितना तो यहां पे क्या होगा? 9, 9, 8, और वन को लिखना है तीन डिजिट फॉर्मेट में डेट इज जीरो पर क्या है चार बार लिखा हुआ है तो एक घटाएंगे नाइन नाइन वन को लिखना है चार डिजिट फॉर्मेट में एक दो तीन और चार क्लियर हो गया यहां पे देखो एक दो तीन चार पांच बार है तो नाइन 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 एट एक दो तीन चार पांच हो गया ना आसान अगर समझ में आ गया तो प्लीज बताना जरूर कि हां सर समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में टाइप करो समझ में आ गया और व्हाट्सएप पे भी बताना कि हाँ सर समझ में आ गया <clears throat> क्लियर है चलो डन करते हैं इसको आगे बढ़ते हैं अब एक और मेथड दोस्तों है जिसे हम लोग बोलते हैं फार्मूला मतलब आप फार्मूला इस्तेमाल करके भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्क्वायर मतलब पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो अब फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना समझना आप एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है स्क्वायर का जो कि होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यह होता है ठीक है समझ लो पहले क्या करना है बारह का स्क्वायर पता है कितना होता है वन फोर फोर बारह का स्क्वायर पता है कि वन फोर फोर होता है बट इसकी अप्रोच क्या है अप्रोच क्या है जब भी कभी आप लोग को फॉर्मूला मेथड इस्तेमाल करना हो तो क्या करना है आप लोग को तीन गैप बनाने क्या करना है आप लोग को तीन गैप बनाने हैं डोंट वरी अभी वीडियो के अंत में आप लोग को व्हाट्सएप नंबर हम दे देंगे ठीक है तीन गैप बनाने है? अब समझना क्या करना है आपको नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो 12 है हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया एक पार्ट हमारा ए हो गया और एक पार्ट हमारा क्या हो गया बी हो गया तो लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर मतलब दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका चार ठीक है फिर इस तीनों संख्याओं को इस दो को इस दो को और इस एक को समझना बात को इस दो को इस दो को और इस एक को इन तीनों को मल्टीप्लाई करो टू इंटू टू फोर फोर इंटू वन वन क्या आ जाएगा यहां पे फोर फिर वन का स्क्वायर कितना रहेगा आपका वन तो वन कितना गया हमारा वन फोर्टी फोर और यही क्या होगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा समझ रहे हैं बात को क्या अप्रोच है यहां पर अप्लाई करते हैं छब्बीस का स्क्वायर ठीक है तीन प्लेस बनाने छ का स्क्वायर छत्तीस ठीक है भाई छे का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग का छत्तीस कैरी कितना गया तीन अब दो इंटू छः बारह बारह दूनी चौबीस चौबीस और प्लस तीन सत्ताईस ठीक है दो का स्क्वायर चार चार प्लस दो छः कितना गया 6, yes no. आ गया हमारा सिक्स सेवेंटी सिक्स क्लियर है ये सोनो समझ में आ गया सिमिलरली बहत्तर का स्क्वायर निकालना है तीन प्लेस बनाने दो का स्क्वायर चार तीनों को मल्टीप्लीकेशन दो इंटू दो चार फोर सेवन जार ट्वेंटी एट टू कह रही एट हो गया इक्यावन चौरासी क्लियर है हो गया चलो अगला देखते हैं बोला गया है दो सौ बारह बड़ा नंबर है देखो दो सौ के पास आ रहा है बन जाएगा क्योंकि वो लगा सकते हैं बाकी आपको हमने कई तरीके बता दिए ताकि आप उस पर्टिकुलर को नंबर्स में आप लोग को जो लगाना है वो लगा दो मतलब मुद्दा ही होना चाहिए कि हमारा स्क्वायर निकल के आना चाहिए दैट्स ऑल ओके चलो तो यहां पे देखो क्या बोला गया है डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट में बड़े वाले को ए मानेंगे छोटे वाले को बी मानेंगे तीन पार्ट बनाएंगे दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार हो जाएगा फिर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ठीक है दो दूनी चार चार को इक्कीस से अड़तालीस मतलब सॉरी भाई कितना होगा होगा लिखा एट क्या इक्कीस का स्क्वायर फोर फोर्टी वन प्लस एट कितना हो गया आप लोग का फोर तो फोर्टी नाइन यहां पर फोर फोर नाइन फोर फोर यस और नो एक बार बताना जरूर कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया है नाउ ईच एंड एवरी थिंग रिगार्डिंग स्क्वायर ठीक है सलोनी और डोंट वरी सलोनी ओके सलोनी सोनी रिपीट कर दे रहे ठीक है डोंट वरी परेशान ना हो समझ में आ गया है एक बार बताना जरूर ठीक है क्या करना है बहुत ही सिंपल सी स्टेप है यहाँ पे ठीक है बहुत ही सिंपल सी स्टेप है स्टेप पे ये है तेरा का स्क्वायर निकालना है दो पार्ट में डिवाइड किया ठीक है एक हो गया ए एक हो गया बी तीन पार्ट बनाए हमने तीन का स्क्वायर मतलब अंतिम संख्या का स्क्वायर नौ दो को तीन से मल्टीप्लाई को एक से मल्टीप्लाई मतलब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ठीक है यहां पे कितना होगा छ होगा फिर एक का स्क्वायर एक तो कितना आ गया हमारा 169 ये अप्रोच है इसकी अजय सिंह यादव बता दिया हमने फिर से किया कि हमने क्या अप्लाई किया बहत्तर का स्क्वायर निकालना है एक बार रिपीट कर देना देखो डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में सेवन हो गया ए पार्ट दो हो गया बी पार्ट तो दो का स्क्वायर तीन पार्ट बनाए चार दो इंटू दो चार चार इंटू सात अट्ठाईस टू लिखा आठ लिख दिया टू कैरी सात का स्क्वायर उनचास प्लस दो इक्यावन कितना हो गया फाइव पट एट फोर आ गया ना संदीप कुमार ओके सोनी सोनी मैम आपको क्लियर हो गया तो प्लीज बता देना संदीप कुमार आ गया ना चलो यस आ गया बहुत बढ़िया शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मरते हैं और देखते हैं क्या है तो दोस्तों हमने अभी तक क्या किया सारे के सारे स्क्वायर्स निकालना सीख लिए मतलब एग्जाम में किसी भी पैटर्न का स्क्वायर निकालने के लिए आएगा तो निकाल सकते हैं और जस्ट टेक एन एग्जाम्पल आपके क्लर्क के एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया मान लीजिए यही आ गया फोर्टी का स्क्वायर प्लस फिफ्टी का स्क्वायर नाइनटी का स्क्वायर प्लस पांच का स्क्वायर मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया अब सबसे बड़ी कहानी है कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे बट आप लोगों को स्क्वायर निकालना आता है ट्रिक पता है तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं आप निकाल लोगे देखो आप आपके सामने निकाल लें पांच है तो चार को पांच से मल्टीप्लाई कितना होगा बीस तो यहां पे क्या हो गया बीस पच्चीस आपने एक ही बार में लिखा बावन है याद आ गया मैजिक नंबर वाला तो पच्चीस से पचास से कंपेयर करेंगे दो दो बड़ा है तो हो जाएगा जीरो चार पच्चीस में दो जोड़ेंगे कितना हो गया आप लोग का सत्ताईस हो गया फिर 98 100 सौ वाला सेन आ गया सौ से कितना कम है दो दो का स्क्वायर चार हो जाएगा सिंगल है तो जीरो लगाया दो घटाएंगे तो कितना होगा छियानवे हो जाएगा फिर अगर बात करें पांच सौ दो कंपेयर किससे करेंगे पांच सौ से दो बड़ा है तो जीरो चार हो गया दो ऐड करेंगे तो कितना होगा पांच सौ चार दो करेंगे तो पांच सौ चार मल्टीप्लाई करेंगे से बेस क्या होगा हमारा पांच होगा तो फाइव फोर ट्वेंटी हो जाएगा हो जाएगा कितना ट्वेंटी स्क्वायर फटाफट से निकाल लिए और स्क्वायर निकाल लिए तो आप इसको यूनिट डिजिट की हेल्प से एड करके अपने ऑप्शन को चेक कर सकते ओके चलिए डन करते हैं इसको तो दोस्तों स्क्वायर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ स्क्वायर रूट क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और आप लोग एग्जाम में इस पे बेस सिंप्लीफिकेशन आते हैं ठीक है तो अब हमने स्क्वायर रूट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया ठीक है दो पार्ट को कौन कौन से होते हैं एक होते हैं हमारे परफेक्ट रूट और एक हमारे होते हैं नॉन परफेक्ट ठीक है मतलब एक हमारे परफेक्ट मतलब जिनका स्क्वायर निकल सके आसानी से और एक होते हैं नॉन परफेक्ट मतलब जिसका स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट कोई भी हमारा एक होल नंबर नहीं होगा मतलब वो डेसिमल्स में आ सकते हैं इसलिए हम लोग बोलेंगे नॉन परफेक्ट जैसे एक्जाम्पल बात करें फोर्टी आप फोर्टी का स्क्वायर निकालोगे तो आपका सिक्स पॉइंट समथिंग आएगा क्या आएगा वो डिस्कस करेंगे अभी ठीक है बट सिक्स पॉइंट समथिंग आएगा बट अगर थर्टी सिक्स की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा आप लोग का सिक्स होगा तो आप देख रहे हैं थर्टी सिक्स के अपने आप में एक परफेक्ट नंबर है और फोर्टी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों अपने आप में क्या है एक नॉन परफेक्ट नंबर है बिल्कुल डोंट वरी अर्पित आप लोग के लिए स्ट्रेटजी क्या रहने वाली हम आपको बताएंगे डोंट परेशान ना हो क्लियर हो गया चलो ये हो गया अब दोस्तों समझना है हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट नंबर चलो देखो आर आर बी क्लर्क की बात करें तो आपका कमेंट आया कि विस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर आरबी क्लर्क तो आर आरबी क्लर्क की अगर बात करें तो यहां पे देखो सिंपल जो टॉपिक आप लोग का स्ट्रांग होना चाहिए वो क्या है आप लोग का सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि इस पर आप लोग को कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे 25 से 30 क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन पे मिलेंगे क्योंकि आप लोग मान के चलो कि 10 नंबर का आप लोग का सिंप्लीफिकेशन आना है ठीक है पांच नंबर की इनिक्वलिटी आनी है आप लोग की उसके बाद पांच नंबर का सीरीज जो, जो कि कैलकुलेशन बेसिक होगा क्योंकि आप जितनी जल्दी पकड़ सकते हो लॉजिक जितनी जल्दी आप लोग तो कैलकुलेट कर लोगे उतनी ही जल्दी आप लोग तो लॉजिक पकड़ लोगे इसके बाद पांच नंबर का डी आई जिसमें मल्टीप्लीकेशन एडिशन करना होता है या दो डी आई आ गई तो आप देख रहे हो कि आप लोगों के पच्चीस मार्क्स तो आप लोगों को यहीं से मिल गए तो आप लोगों को कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इसलिए हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं आप लोगों के स्टार्टिंग कैलकुलेशन पार्ट पे क्लियर है चलो अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट तो परफेक्ट नंबर्स की अगर कर बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स का स्क्वायर लिखा है अब आखिर में ये क्यों लिखा आखिर में हमने ये क्यों लिखा इसको समझना आप अपने मन में कोई भी नंबर एज्यूम करो उस पर्टिकुलर नंबर के लास्ट में एक दो तीन से लेकर की नौ ही तक नंबर आएंगे मतलब हर एक नंबर की इकाई संख्या क्या होगी एक, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और जीरो और आप जब उस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसके स्क्वायर में जो आप लोग को इकाई संख्या मिलनी है वो क्या मिलनी है एक चार नौ छः पाँच नौ चार एक और जीरो अब यहाँ पर जब हमने इन यूनिट डिज़िट पर निगाहें डाली अपनी जब हमने इन यूनिट डिजिट पर अपनी निगाहें डाली तो मेरे मन में आया कि यहाँ पे ना ही दो लिखा है ना ही तीन लिखा है ना ही सात लिखा है ना ही आठ है मतलब यहाँ पे हमने निगाहें डाली और बोला कि ना ही दो तीन सात आठ मतलब ये चारों नंबर नहीं लिखे तो इसका मतलब यहां पे क्या है कि ऐसे नंबर जिनकी इकाई संख्या दो तीन सात और आठ होगा उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा यह बात आप लोग को मन में बैठा नहीं है ये नोट है आप इसको नोट करके लिख सको लिख लो कहीं टू थ्री सेवन एट जिन संख्याओं के लास्ट में क्या होगा दो तीन सात और आठ होगा उनकी कभी भी परफेक्ट उनका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा अब जो इकाई संख्या देखने को मिल रही है जैसे कि एक है चार है नौ है तो अगर हम बात करते हैं एक तो एक जो इकाई संख्या उसके रूट में आएगी जिस नंबर की इकाई संख्या एक हो या तो नौ हो चार उस रूट के इकाई संख्या में आएगी जिस संख्या के इकाई संख्या या तो दो हो या तो आठ हो क्योंकि आप देख सकते हैं चार किसमें आ रहा है दो में आ रहा है और आठ में आ रहा है छह किसमें आएगा चार में आएगा और छह में आएगा ठीक है चीके? तीन किस नौ में आएगा तीन में आएगा और सात में आएगा भाई नौ में आ रहा है तीन में आ रहा है और कहां पर आ रहा है नौ साथ में आ रहा है पांच इसमें आएगा आप लोग का पांच में ही आएगा मतलब जो पांच इकाई संख्या है वो पांच में आएगा ठीक है चलो ये क्लियर है तो आपको अगर ये समझ में आता है तो आप इन पर्टिकुलर नंबर्स का स्क्वायर निकाल लोगे बहुत ही आसानी से कैसे समझना है तो हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालना है कितना एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझा दे पहले आप लोग को उसके बाद हम आप लोग को समझाएंगे कि, कि अप्रोच क्या होती है 144 का हमें मान लो स्क्वायर रूट निकालना है वन फोर्टी फोर का मान लो हमें स्क्वायर रूट निकालना है हमें पता है कितना होता है बारह हमें पता है बारह होता है बट यहां पर अप्रोच क्या ही है 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 हमें हमें जानना जानना जरूरी जरूरी ठीक अप्रोच क्या ही है, में जानना है। तो अब जब भी कभी स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करना है लास्ट के दो नंबर को अलग करना है क्लियर है लास्ट के दो नंबर को अलग करना है फोर्टी फोर अलग कर लिया चार चार में आता है दो में चार में सॉरी चार में दो में और आठ में दो का स्क्वायर चार आठ का स्क्वायर सिक्सटी फोर अब ऐसा कोई नंबर जिसका इस स्क्वायर इस पर्टिकुलर नंबर से कम हो या बराबर भी ले सकते हो बट जनरली कम लेना होता है ठीक है तो वन होता है वन को लिखा वन को लिखा <coughs> ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रिवेनिंग नंबर से कम हो या बराबर हो तो वो वन लिखा अब करना क्या है वन को उसके एक बड़े नंबर दो मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर दो से मल्टीप्लाई करना है कितना आएगा दो अब ये जो दो है इस दो को कंपेयर करोगे आप इस वन से इस दो को आप कंपेयर करोगे इस वन से अगर ये दो बड़ा है अगर ये दो बड़ा है तो आंसर हमारा होगा ऊपर वाला अगर दो छोटा होता मल्टीप्लाई करने पे रिमेनिंग नंबर से तो आंसर क्या होता हमारा नीचे वाला बट क्योंकि दो बड़ा है इसलिए आंसर क्या होगा हमारा ऊपर वाला या एक बात ध्यान रख लो हमेशा कोई भी कठिनाइयां आती हैं हमेशा आप लोग हमेशा गॉड से प्रे करते हो क्योंकि गॉड सबसे बड़ा है वही सारे दुख दर्द को दूर करेगा और गॉड कहां पे है ऊपर तो गॉड के लिए हमें ऊपर देखना पड़ता है तो ध्यान रखना जो इस संसार में सबसे बड़ा है वो कहां पे है ऊपर और जब भी आपको आपके छोटे भाई हैं या कभी भी कुछ गलती करते तो डांटना होता है तो आप नीचे देख के डांटते हो उनको कि हाँ तुमने गलती की है ये तो अगर अगर कोई छोटा आ रहा है मल्टीप्लीकेशन पे तो आंसर क्या रहेगा नीचे वाला रहेगा ओके okay, संदीप कुमार डोंट वरी समझ जाएंगे अर, अर, अर्पित डोंट वरी अर्पित बंसल अभी समझा दे रहे आपको कि क्या अप्रोच है यहां पे बस एक बात मन में डाल दो बड़ा तो ऊपर बड़ा तो ऊपर छोटा तो नीचे समझो एग्जांपल समझते हैं जो यहां पे लिखा हुआ है एट एट थ्री सिक्स जब भी कभी बात करते हैं रूट निकालने की तो लास्ट के दो नंबर अलग ही है छ किसमें आता है चार और छ में आता है अर्पित समझना किस किसमें आता है चार और छ में आता है चार का स्क्वायर सोलह छ का स्क्वायर छत्तीस क्लियर है अब ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर अट्ठासी से कम हो एट्टी एट से कम हो क्या होगा नाइन नाइन का स्क्वायर एट्टी वन 88 से कम है अब करना क्या है 9 से नेक्स्ट नंबर 10 मल्टीप्लाई किया कितना 90 अब जो 90 है ये 90 88 से बड़ा है 90 बड़ा बड़ा मतलब कहां भगवान कहां ऊपर तो बड़ा मतलब ऊपर इसका मतलब यहां पे यहां से क्या रहेगा आपका 94 एंड आई होप सो कि अब ये आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो गया है एक एग्जांपल देख लेते हैं 151, टू नाइन ओके वन फाइव वन टू नाइन तो अलग किया नौ नौ का मतलब क्या है तीन में आएगा और सात में आएगा भाई तीन का स्क्वायर नौ और सात का स्क्वायर उनचास एक सौ इक्यावन तेरह बड़ा हो जाएगा बारह बारह से बड़ा कितना तेरह मल्टीप्लाई किया वन फिफ्टी सिक्स अब आप ही बताओ ऊपर वाला बड़ा वाला ठीक है ऊपर वाला बड़ा वाला क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 156 बड़ा तो बड़ा कहां पे जल्दी फटाफट फड़, क्विकली बड़ा मतलब कहां जल्दी बताओ ऊपर की नीचे ऊपर की नीचे जल्दी क्विकली ऊपर है ना बड़ा है तो कहां आएगा ऊपर इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका 123 हो जाएगा तो समझ में आ गया ना चलो उड़ा दोगे तुम लोग अरे तुम लोग शेर आदमी चीते आदमी हो सब लोग ठीक है भाई चलो <coughs> 47089 निकालना है रूट अलग किए दो नौ no. किस में आएगा तीन और सात में ऐसा कोई नंबर हाँ ऊपर ऊपर ठीक है समझ में आ गया ना बहुत बढ़िया ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर फोर सेवेंटी से कम हो कितना होगा इक्कीस इक्कीस से बड़ा बाईस कितना होगा इक्कीस का स्क्वायर फोर फोर्टी वन इक्कीस जोड़ो कितना हो गया फोर सिक्सटी टू फोर सिक्सटी टू क्या है छोटा 462 छोटा छोटा मतलब कौन सा नीचे 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 है ना छोटा मतलब कौन सा नीचे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का 217 हो जाएगा इसका राइट आंसर बहुत बढ़िया शानदार उमदा प्रदर्शन क्लियर हो गया उड़ा दोगे ना एग्जाम में अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए आया ठीक है बना देंगे ना बहुत बढ़िया बस देखो यही चाहिए हमें आप लोग अपना बेसिक स्ट्रॉग कर लो बाकी यार अब हमने जिम्मेदारी ले ली है तो परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है खुशी से पढ़ाई करते रहो क्लासेस लेते रहो और मस्त बिंदास रहो और एस जरूर दो ठीक है चलिए ये हो गया डन करते हैं इसको आगे बढ़ते हैं अच्छा एक और क्वेश्चन है इसका आप लोग खुद बताइए अगर इसका रूट निकालना है तो इसका रूट आपको खुद निकालना है बताइए क्या होगा जल्दी क्या लिखा हुआ है टू सिक्स सिक्स टू फाइव सिक्स तो देखो फिफ्टी सिक्स है अलग कर लेंगे छ चार और छे में अब छब्बीस सौ ये तो पता है पचास का स्क्वायर कितना होता है हमारा पच्चीस सौ और अगर इक्यावन की बात करें इक्यावन की बात करें तो जीरो एक छब्बीस इक्यावन ही करा रहा है तो यहां पे क्या होगा इक्यावन और यहां पे इक्यावन इक्यावन को मल्टीप्लाई करेंगे बावन से तो इक्यावन का स्क्वायर छब्बीस सौ एक प्लस इक्यावन जोड़ देंगे कितना हो गया यहाँ पे सिक्स, टू सिक्स फाइव टू टू सिक्स फाइव टू क्या है छोटा ओके okay. टू सिक्स फाइव टू क्या है छोटा छोटा मतलब कहा छोटू छोटू मतलब कहा नीचे ठीक है तो फाइव वन सिक्स हो जाएगा इसका राइट आंसर दैट इज पांच सौ सोलह उड़ा दोगे ओके okay, चलो बहुत बढ़िया शानदार नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अब हम लोग निकालने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट नंबर देखो ये जो होते हैं वो आप लोग के लगभग अप्रोक्सीमेटली में निकलते हैं ठीक है आप कैलकुलेटर से इस्तेमाल कर सकते हो आपको आसान मतलब लमसम आपका पहुंच जाएगा मतलब एक्यूरेट नहीं देते आपको ये में ही आपको मिलेगा आंसर तो रूट फिफ्टी फोर समझ लो पहले अप्रोच क्या है हमें निकालना है रूट फिफ्टी फोर का स्क्वायर रूट जो कि अप्रोक्सीमेशन में है अब हमको पता है कि ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर फिफ्टी फोर से कम हो मेरे दोस्तों ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर फिफ्टी फोर से कम हो प्रैक्टिस के लिए भी हम आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे डोंट वरी ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर फिफ्टी फोर से कम हो फिफ्टी फोर से कम किसका होता है भैया जल्दी 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 सेवन एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर इसका मतलब क्या होगा सेवन फोर्टी नाइन इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या होगा सेवन प्लस होगा अब बनाना है फ्रैक्शन अब करना क्या है लिखो फिफ्टी फोर माइनस सेवन का स्क्वायर उनचास सात इंटू दो तो सात प्लस उनचास माइनस चार पांच अपॉन चौदह तो यहां पे आ जाएगा लमसम पॉइंट थ्री के आसपास क्योंकि कितना हो जाएगा आप लोग का फोर्टी फोर्टी टू के आसपास लमसम आएगा तो सेवन पॉइंट थ्री जो होगा वो क्या होगा हमारा अप्रोक्सीमेटली में क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रूट हो जाएगा अप्रॉक्सिमेटली की बात कर रहे हैं यहां पे ठीक है मतलब जब आप लोग इन करोगे ना तो इन में आप लोग को इसकी हेल्प मिलेगी क्योंकि आपको पता है सेवन पॉइंट थ्री और सेवन ये लिखा है तो आप देख सकते हो कि सेवन हमारा क्या है छोटा होगा किससे सेवन पॉइंट थ्री से तो यहां पे आप क्वलिटी जब आप लोग करोगे ना कंपेयर करने वाली बातें तब आप लोग यहां पे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा मतलब जो इसका यूज होता है वो जनरली कहां पे आता है आप लोग का कालिटी में आता है क्लियर है चलो अगला नंबर देखते एक सौ बारह ठीक है एक सौ बारह की बात करते हैं ये पता है कितना होगा दस से बड़ा होगा क्योंकि एक ग्यारह का कितना होता है एक सौ इक्कीस नहीं होगा तो मतलब दस तो होगा होगा उसके बाद क्या करेंगे प्लस करेंगे ठीक है दस तो होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे लिखेंगे एक सौ एक सौ ग्यारह एक सौ बारह माइनस दस का स्क्वायर सौ टू इन टू टेन तो यहां पे हो गया दस प्लस बारह अपॉन कितना बीस छ बाय दस टेन पॉइंट छ आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली में है आप चाहो तो चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से भी ठीक है टेन पॉइंट छ आएगा यहां पर इक्कीस सौ की बात करें इक्कीस सौ तो भाई इक्कीस सौ किसके पास आ रहा है इक्कीस सौ की बात करें तो हमें पता है आप देखो इक्कीस सौ थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको है ना तो ये पता है कि जो इक्कीस सौ हमारा है ठीक है हमारा है ये तो पक्की बात है चालीस से बड़ा होगा क्योंकि तो चालीस का कितना होता है सोलह सौ आप ले सकते हो कोई भी नंबर ठीक है चालीस से बड़ा होगा अब इक्कीस सौ माइनस सोलह सौ डिवाइड बाई टू इन चालीस तो चालीस प्लस पांच सौ बाई अस्सी ठीक है तो यहां पे कितना हो जाएगा आ, आप लोग का सिक्स पॉइंट समथिंग हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा आप लोग का सिक्स पॉइंट टू फाइव तो फोर्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव जा रहा है तो लमसम में आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि फोर्टी सिक्स के आस पास इसका आंसर हमारा हो जाएगा एंड आई होप सो कि आप लोग समझ में आ रही है ठीक है बिल्कुल टेन पॉइंट सिक्स जा रहे हैं सब लोग बहुत बढ़िया शानदार चलो अब देखो यहां पे अगर बात करें फोर्टी सिक्स का जो हमारा स्क्वायर होता है वो कितना होता है हमारा टू वन वन सिक्स होता है ठीक है टू वन वन सिक्स होता है तो इसका मतलब यहां पे इसके पास में आ रहा है तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आप लोग फोर्टी सिक्स ले सकते हो क्लियर है चलो डन करते हैं इसको डन करते हैं और मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पे तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्या कल जो रह गया था एक ट्रिक छोटी सी जब भी हमें किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो और जो हंड्रेड के आसपास आ रहे हो ठीक है तो कल की क्लास में थोड़ा सा मिस हो गया था बट हम बताएंगे दोस्तों इस सेशन में और कहीं ना कहीं एक नई चीज़ है है ना आप डिनर करने आते हो तो डिनर करने के बाद पुडिंग करना पुडिंग खाना जरूरी है मीठा खाना जरूरी है तो कहीं ना कहीं कही जब हमने सेशन पढ़ लिया पूरा तो अब मिठाई के तौर पर दोस्तों हमने आप लोग के लिए एक ट्रिक रखी है ठीक है अब ट्रिक क्या है यहाँ पे जब भी कभी हमें इस टाइप के नंबर को मल्टीप्लाई करना हो मतलब नाइनटी को मल्टीप्लाई करना है एक से वन नाइनटी एट को मल्टीप्लाई करना दो सौ छः से या चार सौ बारह को मल्टीप्लाई करना तीन सौ छियानवे से बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है यहाँ पे कैसे करेंगे समझना 98 को मल्टीप्लाई करना है 102 से ठीक है वीडियो मिल जाएगा डोंट वरी ठीक है 98 को मल्टीप्लाई करना है 102 से आपने ये बात देखी यहाँ पे कि ये दोनों नंबर जो है हमारे सौ के पास में आ रहे हैं दोनों नंबर क्या आ रहे हैं हमारे सौ के पास में आ रहे हैं ठीक है ठीके? अब ये सौ से कितना कम है दो और ये सौ से कितना बड़ा है प्लस दो ये सौ से कम है दो और ये सौ से बड़ा है दो तो दो इंटू दो करोगे कि कितना आएगा आप लोग का चार सिंगल है तो जीरो चार और माइनस का ही आएगा वैसे आप कंसेक्यूटिव नंबर्स का लगा सकते हो क्योंकि इवन नंबर नाइनटी एट और एक सौ दो है तो आप देख सकते हो कि ये क्या कहते है हैं हमारे हंड्रेड प्लस टू कर सकते हो हंड्रेड माइनस टू कर सकते हो, हो बट वो नहीं करके एक अप्रोच बता रहे हैं आप लोग को ठीक है ये हो गया माइनस का जीरो चार आएगा अब या तो दो इसमें जोड़ दो या तो दो माइनस कर दो कितना आएगा सौ ही आएगा तो सौ लिखा उसके बाद दो जीरो ऐड कर दो अपने पास से और माइनस कर दो फिर पर्टिकुलर जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है तो यहां पे कितना आएगा आप लोग का और पर फोर्टी फाइव पॉइंट एट आ रहा है अनुराधा यादव बिल्कुल तो फोर्टी सिक्स आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो ठीक है भाई चलो ये क्लियर हो गया अब आगे बात करते हैं अगला नंबर वन नाइनटी एट मल्टीप्लाई बाई दो सौ छे अब यहां पे देखो 200 से कंपेयर करना पड़ रहा है मैं क्योंकि 200 के पास में आ रहा है ठीक है तो यहां पे क्या करोगे आप देख सकते हो कि 200 से कितना कम है यहां पे दो और ये कितना बड़ा है छे छोनी कितना हो जाएगा माइनस का बारह अब या तो इसमें ऐड कर दो या दो माइनस कर दो सपरेट कर दो तो जब दो करेंगे सपरेट तो कितना कमारा दो सौ चार क्योंकि दो सौ के पास आ रहा है इसलिए दो से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है क्योंकि दो सौ के पास आ रहा है इसलिए दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना होगा आप लोग का चार्ट हो जाएगा डबल जीरो लगा दिया माइनस कर दिया तो फोर जीरो सेवन ठीक है फोर जीरो सेवन एट एट तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है बस ध्यान रखना जिसके पास आ रहा है ना उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दो बात बन जाएगी चलो आगे देखते हैं चार सौ बारह को मल्टीप्लाई करना है किससे तीन सौ छियानबे से तो 412 को मल्टीप्लाई करना है तीन सौ छियानवे से कैसे करना है बिल्कुल सिंपल सी वही बात है है ये ये हो गया प्लस ये कितना माइनस का चार तो बारह इंटू चार कितना माइनस का अड़तालीस हो गया क्लियर है बारह इंटू चार क्या हो गया, गया माइनस का अड़तालीस हो जाएगा अब या तो बारह एड कर दो या तो चार सप्रेट कर दो जब चार सप्रेट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का ठीक है चार जब सप्रैट करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आप लोग का चार सौ आठ मल्टीप्लाई किससे करोगे चार से किसके पास आ रहा है चार के पास आ रहा है ठीक है चार के पास आ रहा है तो चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे और यही आप लोग आंसर हो जाएगा, जाएगा. So, आई समझ में आ गया है कि किस तरह से हमें मल्टीप्लीकेशन करने किस तरह से हमें स्क्वायर निकालना है किस तरह से हमें अपने कैलकुलेशन को आसान करना है ठीक है तो दोस्तों आज के सेशन में हमने क्या सीखा हमने सीखा स्क्वायर निकालना मतलब हर एक नंबर का दोस्तों हमें लगता है कि अब आप स्क्वायर निकाल लोगे ठीक है कोई भी नंबर की बात करें आप स्क्वायर निकाल लोगे इसके बाद आपने हमने सिखा दिया हमने आप लोग को स्क्वायर रूट निकालना किसी भी पर्टिकुलर नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो ये चीज़ें आप लोग को प्रैक्टिस करनी है क्योंकि जब हम सिम्प्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तब हम हम लोग को डायरेक्टली बताएंगे तब हम आपको ये नहीं बताएंगे कि इसका अप्रोच क्या है आपको जब हम सिम्प्लीफेन कराएंगे जब उसमें स्क्वायर रूट निकालना होगा तो डायरेक्टली करेंगे स्क्वायर निकालना होगा तो डायरेक्टली करेंगे क्योंकि हम तब नहीं बताएंगे क्योंकि अभी मौका है अभी समय है जितना हो सकता है इसको ओरली कर लो याद कर लो मन में बैठा लो क्योंकि जब हम सिम्प्लीफिकेशन पर आएंगे तब हमको केवल आपकी स्पीड से मतलब है हमें ये नहीं पता हमें ये मतलब नहीं होगा कि आपने ये कैसे निकाला सर क्योंकि ये हम अभी आपको बता रहे हैं और यही अप्रोच हम भी खुद अडॉप्ट करते हैं एग्ज़ाम में जब हम एग्जाम देते हैं ठीक है और हम भी चाहेंगे कि आप भी दोस्तों यही अप्रोच को इस्तेमाल करो क्योंकि ये कहीं ना कहीं आसान है और अपने आप को ढाल लो इसके अकॉर्डिंग जब तक अपने आप लोग को ढालोगे नहीं तब तक ये फिर प्रॉब्लम होगी करने में ठीक है तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास बाकी कल जब हम लोग मिलेंगे दोस्तों तो कल डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट कल तो बिल्कुल क्लास रहने वाली क्योंकि कल हम लोग क्यूब 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 की एक एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिससे आप हर एक नंबर का निकाल सकते हो और उसके साथ क्यूब रूट के भी रिलेटेड प्रॉब्लम हम देखेंगे देखो बुक प्रिफर कर दें अर्पित बंसल आप बुक कोई भी मार्केट से परचेस कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें केवल क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए आप एक प्रकाशन की बुक लो खत्म करो दूसरी प्रकाशन की बुक लो खत्म करो तीसरी प्रकाशन की बुक लो खत्म करो वो जुजबा लाओ अपने अंदर वो जुनून लाओ कि हर एक बुक कम पड़ जाए आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए क्योंकि आप लोगों को मतलब केवल किससे क्वेश्चन से जितनी ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही माइंड आपका फिल होगा और उतनी ही जल्दी आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो क्योंकि पर्टिकुलर बुक अगर कोई अच्छी होती मार्केट में तो हर एक बंदे के पास हर एक इंसान के पास हर एक बुक बुकस्टॉल में वही बुक बिकती ऐसा तो है नहीं बहुत डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं तो आपको केवल फोकस करना है क्वेश्चन से कि क्वेश्चन जहाँ से मिल सके मैक्सिमम आप वहाँ से करो बाकी दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप इसको सेव कर सकते हो अपनी डाउट्स जो है क्वेरीज हैं वो आप व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हो अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप प्लीज अपना रिवर्ट जो है वो व्हाट्सएप पे दे सकते हैं हमें और बताइएगा कि क्या लगा और क्या कुछ सीखा आपने ठीक है भाई सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू टाटा बाय बाय टेक केयर